यहाँ पर जो मुग्ने भाई के रूप में है कमलेश जी हैं, कमलेश हेमरम, उनके द्वारा फिर से यहाँ पर मैच रिस्टार्ट। तो चलिए यहाँ पर खेल की तो गतिविधि चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको नियम थोड़ा बता दूं ऑफसाइड की। ऑफसाइड नहीं फंसेंगे, उस मूवमेंट में अगर बॉल जाती है तो ऑफसाइड का फ्लैग उठेगा, और अगर ऑन से कोई खिलाड़ी गोल कर दिया जाए तो वहां पर गोल माना जाएगा। यह फुटबॉल में नियम है, आप कहीं भी देख सकते हैं, मोबाइल में सर्च कर सकते हैं, आप जो नियम रूल रेगुलेशन का बुक आता है वहां पढ़ सकते हैं कि जो अगर कोई भी खिलाड़ी आउट में हो उस खिलाड़ी के पास जब तक बॉल नहीं जाएगी या उस खिलाड़ी के लिए बॉल मूवमेंट नहीं करते तो किसी भी चीज में आपको कैमरा भी नहीं मिल सकता। यहां पर वही जानना होगा, पहचानना होगा तमाम खिलाड़ियों को किस तरह का फुटबॉल में नियम है। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में एक नियम वहां पर बनाया जरूर गया था, लेकिन वह नियम अप्लाई नहीं किया गया। अगर कोई भी खिलाड़ी अगर शॉट लेते हैं, अगर कीपर के विजन में कोई खिलाड़ी अगर आते हैं वहां पर ड्रॉप किया जाता है बॉल को, अगर कीपर को डिस्टर्ब किया जाता है तो वहां से ऑफसाइड का फ्लैग उठता है। लेकिन यह नियम वो फीफा वर्ल्ड कप में 2 या 3 मैच में सीमित कर रहेंगे। सिमरा वर्सेस मांड्रो, बी ग्रुप मुस्लिम ग्रुप से आप लोग तैयार रहेंगे। सिमरा वर्सेस मांड्रो, आप लोग रिपोर्टिंग कर दें, आप लोग विलंब नहीं करेंगे, अगर विलंब करेंगे तो समय आप ही का लॉस होगा, यह आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज ऐसे भी लेट से मैच शुरुआत हुई, अभी तक यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर फाइनल का मैच होना चाहिए था आज का दूसरे दिन का, लेकिन यहाँ पर टीम लेट पहुंचने के चलते या किसी के खिलाड़ियों को दम रेडी रखेंगे, और जैसे ही दोनों टीम का मैच समापन होगा आप लाइनअप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यह आज यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम भी है, क्योंकि मैं अभी बोरियो से आ रहा हूँ, कुछ आधा घंटा पहले इतना जोरदार बारिश इधर हुई है, तो कहीं ना कहीं इधर तो बारिश मैं देख नहीं रहा हूँ, मैदान भी बहुत हद तक सूख चुका है, और कल जिस तरह का फर्स्ट क्वार्टर फाइनल का मैच में जिस तरह का बारिश हुआ था और जिस तरह खिलाड़ियों को दिक्कत यहाँ पर हुआ था, लेकिन अभी वो दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए ऊपर वाले की थोड़ी माया है कि यहाँ पर मैदान सूख चुका है और इतनी हरा भरा मैदान में आपने बहुत अच्छा यहाँ पर गेम खेलने का कोशिश किया है, और सही बात है समय जितना भी है आप प्रयास करें और सही पास सही एक नियंत्रण के साथ आप मैच खेलें, निश्चित रूप से आपको गोल रिटर्निंग करने का अवसर मिलेगा, आपको बराबरी करने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही टीम एक मजबूत टीम है, और क्या अपने टीम को वह रिकवरी कर पाएंगे, अपने टीम को बराबरी दिला पाएंगे यहाँ पर बरेड संताले, और हमारे साथी जो है हमारे मेडिकल जी, हमारे ओम प्रकाश जी, मैं इनका धन्यवाद दूंगा कि आज सुबह से लेकर हर मैच में यह आंखों देखा हाल सुनाए हैं, और आशा करेंगे कि आज से लेकर कल तक आप बने रहें और हर मैच का आंखों देखा हाल सुनाए। तो चलिए यहाँ पर विलंब न करते हुए फिर से मिलेंगे अगली प्रस्तुति में, आपको लिए चलेंगे ओम प्रकाश जी की ओर। आइए ओम प्रकाश जी, आपका वेलकम रहेगा इस माइक्रोफोन पर। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जी, और कुछ पल के लिए यहाँ पर कुछ व्यवधान जरूर आया था, लेकिन सभी चीजें व्यवस्थित हो चुका है, और एक फिर से जो कि एडिशनल टाइम यहाँ पर दिया गया है, और उसी के अनुरूप फिर से एक बार खेल का प्रारंभ होता हुआ, तो यहाँ पर जो स्कोर लाइन है मैं बताना चाहूंगा, राजधानी के रक्षी 2 और एफसी परेड संथाली 1, यानी एक गोल की दरकार है स्कोर को इक्वालाइजर करने के लिए यहाँ पर परेड संथाली के लिए। बहरहाल और बहुत ही सुंदर तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर सुपर डिफेंडर ने गेंद को निकाला था बाई फ्लैग की ओर, और विकेट के अंदर से एक बार फिर से दाहिने फ्लैग पर गेंद को निकाला है एक नंबर जेसीपी ने भी, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी एक बार फिर से यहाँ पर वोकर, क्या शॉट लगाएंगे यहाँ पर, मौका जरूर बन रहा था, पोजिशन पर जरूर उनके खिलाड़ी, लेकिन बॉल नहीं वहां पर, थोड़ा सा ट्रैक नहीं कर कलेक्शन अच्छा या नहीं। बहरहाल इस समय एक बार फिर से दाहिने खिले पर ये 13 नंबर के सी पेने पे, और देखना पड़ेगा रोहित कुमार तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है रोहित कुमार तो, इसी बीच से काफी से शॉट था गोलकीपर के द्वारा प्लेस किया गेंद को ठीक मध्य रेखा के ऊपर, गेंद बढ़ रहा थी, बीच समय
ऑल पॉजिशन एक बार फिर से यहाँ पर राजधानी के एक रक्षी पर है और इनका जो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है इम्तियाज जी दो शून्य से जब पढ़ाते उनके पास दो शून्य की लीड झोले ने दे और यहाँ पर अच्छा वहां पर छिकाने का कलात्मक शॉट रेंज क्या करें कॉर्नर नंबर जैसे देने में देखना है एक बार फिर से यहाँ पर मुके को और वर्षा हेमरम है 15 नंबर जसीम पहने हुए एक बेहतरीन खिलाड़ी एक बार फिर से दूसरे अंदर सोरे तो सीएम यहां पर हम साझा करना चाहेंगे मित्रा जी यदि इस मैच के दौरान यदि अच्छा कम्बिनेशन यदि पास में तालमेल बनाते हैं परहेज संताली के दिन मैं समझता हूं यदि वन टेक पास अपना कम्बिनेशन यदि ताल्लुक रखते हैं मैं समझता हूं कभी भी वार हो सकती है एक गोल की वापसी। इस समय वहां पर एफसी परहेज संताली की टीम वहां पर 10 नंबर के लिए गेंद को निकाला गया 10 नंबर ने इस बार वहां पर गेंद टच लाइन से बाहर निकलते हुए और इस समय वहां पर थ्रो इन लगाने के लिए मौका मिलता हुआ वहां पर राजधानी टीम की ओर से वहां पर थ्रो इन लगा दिया गया। इस बार वहां पर प्ले ऑन का असर आता हुआ बना सर राजधानी क्रिकेट टीम वहां पर तालमेल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां पर अच्छा कम्युनिकेशन बनता हुआ वहां पर एफसी परहेज संताली की टीम और इस समय वहां पर एफसी परहेज संताली की टीम वहां पर गेंद को छीनने के लिए वहां पर कोशिश कर रहे हैं। इस बार वहां पर राइट विंगर क्षेत्र से वहां पर सेंटर स्ट्राइकर खिलाड़ी क्षेत्र में गेंद को क्रॉस डाला जरूर था लेकिन वहां पर 10 नंबर मंगल मराठे थोड़ी सी पीछे होने के वजह गेंद वहां पर डिफेंस लाइन के खिलाड़ी के द्वारा वहां पर सुंदर सा वहां पर डिफेंड करता हुआ और इस समय वहां पर साइड मिडफील्डर क्षेत्र से वहां पर राइट विंग क्षेत्र में वहां पर पास निकल गया। इस समय यहां पर पास निकल जरूर था वहां पर सेंटर स्ट्राइकर क्षेत्र में